बार मैं हूँ बेवकास हुकूमत दबड़ ने आप सबको कहती हूँ शामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। आज पंजाबी अंदाज से मैं आपके लिए बनाऊंगी बढ़िया, बहुत ही मजे की बनती है। इसको आप प्रिजर्व कीजिए, जब भी चाहे आप इसका सालन बना के एंजॉय कर सकते हैं। इंस्टेंट बढ़िया किस तरह से बनाते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। चलिए अब चलते किसी की जानिब और आपके साथ मिलके बनाते हैं पंजाबी वड़ियों की आसान और डिलीशियस रेसिपी। जी तो व्यूअर्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी झटपट वड़िया। तो झटपट वड़िया बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर चने की दाल मौजूद है जिसको मैंने ओवरनाइट पानी में सोक किया था। तो बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है सूखा धनिया जिसको मैंने क्रश किया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर, आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे शाहजीरा, हसबे जायका नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी एंड पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर। अब हम एक चॉपराइजर में तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह चॉप करेंगे। और पीसने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसका पेस्ट मौजूद है। इसको हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एक पतीली जिसमें हमने पानी को फिल किया है। ये वो इंस्टेंट तरीका है जो कि हमारी दादियाँ बनाया करती थी। आपको इन वड़ियों को ड्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आप इंस्टेंट झटपट बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अभी देखिए इसकी टॉप पर जो हमने मलमल का कपड़ा बांधा है उस पे जो है वो स्टीम बहुत अच्छी सी बन चुकी है। और स्टीम बनने के बाद पानी को हम इतना बॉईल करेंगे कि जो भाप है वो इस तरह से ऊपर तक आए। और वड़ियों को हम इस तरह से 1 टीस्पून इस तरह से प्लेस करेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और स्टीम में अच्छी तरह कुक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमने 4 से 5 मिनट के लिए वड़ियों को स्टीम किया है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए वड़ियाँ जो हैं पककर तैयार हैं। अब हम इस तरह चम्मच की मदद से वड़ियों को निकालेंगे। जी तो व्यूअर्स, जब हम बड़ियों के लिए ग्रेवी को रेडी करेंगे तो एक पॉट में हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है प्याज जिसको मैंने अच्छा सा फाइन चॉप किया है, 1 लार्ज टोमेटो और हरा धनिया है और हरी मिर्ची है। तो सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे प्याज को और इसको लाइट गोल्ड होने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जी तो प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ चिली पेस्ट, 3G पेस्ट को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे जिसमें शामिल है 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, हल्दी पाउडर, क्रश्ड कोरिएंडर, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप पानी और मसाले को अच्छी तरह से कुक करेंगे। जी तो हमने मसाले को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक किया है और ये देखिए मसाला बहुत अच्छा सा मैशी हो चुका है। अब हम मीडियम लो फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। ऑयल हम जो है वो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं।
सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, क्योंकि जो इंस्टेंट वड़ियाँ हैं हमने उसमें भी सॉल्ट ऐड किया है और मसाले में भी हमने ऐड किया है। जी देयर्स मसाला ये देखिए बहुत अच्छा सा भून चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इंस्टेंट वड़ियाँ, हल्का सा इसको भुनेंगे और चमचा जो है वो हम हल्के हाथों चलाएंगे ताकि ये टूटे नहीं। बहुत ही मज़े की डिश बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। डिफरेंट रेसिपी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। जी तो 2 से 3 मिनट वड़ियों को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे 1 कप। तीन से चार अदद हरी मिर्चें, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी इस तरह से हाथ से मसलते हुए। अब इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जी तैयार्स मसाला बहुत अच्छा सा जो है वो रेडी है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको हमने कुक किया है। अब इसकी टॉपिंग पे मैंने ऐड किया है हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। जितवेयर्स आज हमने आपके लिए बहुत ही मज़े के बनाई हैं इंस्टेंट वड़ियाँ। ये एक ट्रेडिशनल डिश है, इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह वेजिटेरियन लवर्स को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही डिफरेंट सा इसका जायका है, खुशबू बहुत ही मज़े की है और झटपट बनने वाली है। इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको कैसी लगी। जी तो व्यूअर्स आई होप आपको वड़ियाँ बनाने की आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको बनाइए अपने प्यारों के साथ, ये डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद अमर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो टाइम पर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।